आज हम बिग बॉस के घर में व्लॉग बनाने वाले हैं। ये है मेरा सबसे फेवरेट। तुम्हारे घर आके वाइंगन खाने का बाबा। विक्की बेटा देख, तूने छूट दे दी ना बेटा। अरे पगली शर्मा के रही है, आंखें खोल। आप घोड़े हो गधे नहीं हो। बिग बॉस के घर में फर्स्ट टाइम किसी को हिस्ट्री में मोबाइल ले जाने मिला। वेलकम टू आवर चैनल LOL। सॉरी, आज बिग बॉस के घर से मैं व्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस, आपको देख ही नहीं रहे यार, ये क्या गेस्ट आया है, मनारा पंजाबी कुड़ी आई। फिर अदा करेंगी तू, फिर मैं तेरा मुंह बनावांगी मैं करके, मारने तो नहीं वाली। हाँ, सो गाइस, मैं व्लॉग बनाती हूँ। हर्ष व्लॉग्स में इतना नहीं आता, लेकिन हर्ष कमेंट्स सारे पढ़ता है। बहुत कमेंट्स पड़े और हर कमेंट के अंदर आप सबने हमें बोला कि भैया आप प्लीज अपने घर में तो व्लॉग बनाते हो, बिग बॉस के घर में व्लॉग बनाइए। और आज हम बिग बॉस के घर में व्लॉग बनाने वाले हैं हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के। कुछ बात मेरे को समझ नहीं आ रहा, इनको स्टैचू क्यों किया हुआ यार? अरे भाई देखो, मैनीक्विन जैसी खड़ी हुई है। हाँ, इनको स्टैचू ना करो ना तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको गले लगाने लग जाते हैं। लास्ट टाइम आया था ना, मेरी डायमंड की रिंग गायब हो गई थी। नहीं नहीं, लेकिन यार सीरियसली भारती, बिग बॉस के घर में व्लॉग बनाना मतलब पहली बार कोई बिग बॉस के घर के अंदर व्लॉग बना। गाइस, आज मैं बिग बॉस के घर में हूँ तो आपको दिखाती हूँ बिग बॉस का पूरा घर। विक्की प्लीज यूज साबुन की टिक्की। यार लेकिन सीरियसली घर के अंदर आके मेरे को एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ। सीरियसली एकदम घर वाली होती है ना, जैसे घर में एक उदास मामू होते हैं, मुनव्वर, एक हमारे आलसी बड़े भाई होते हैं, कहाँ गए अरुण भाई, और घर की सबसे प्यारी बेटी मनारा। भाई कैसे देख रही है, देखो गुस्से से। हाँ, मुझे ऐसे लगा अभी दांत निकलेंगे, अमी मंजोली का ऐसे कर देंगी। सो गाइस, आज बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत सारे व्लॉगर भी हैं बीच में। मेरे भाई यूके राइडर। यार यूके तो कितने सारे व्लॉग बनाता रहता है यार। यूके मिस कर रहे हो व्लॉग को? अभी हिल नहीं पाएंगे ना भारती। मिस कर रहे हो ना, मम्मी को मिस कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मम्मी को मैसेज कर दिया था। क्या आंटी, इसके बाद दूसरे बिग बॉस में डाल रहे हैं, आप वेट मत करना। मैं इनको गले नहीं मिल सकती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इनका बकरा सींग मार देगा। यार लेकिन मैं सबसे पहले नील भाई को बोलना चाहता हूँ। नील भाई थैंक यू सो मच, आप सारे पतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी बीवी के सामने, मतलब चुप रहकर अपनी बीवी की डांट खाकर। क्योंकि यार मेरी बीवी तो थैंक गॉड मेरे साथ कभी ऐसे गुस्से में बात नहीं करती, बदतमीजी नहीं करती। बहुत अच्छे हो ऐश्वर्या, कभी भड़क जाती है तो आप इतने प्यार से बात करते हो, मेरे में तो हिम्मत नहीं है उसके साथ ऐसे बात। नहीं नहीं, और मैं कसम से भारती, मेरे को अरे देना फोन साला, कब से खुद बनाई जा रहा है, मैं नहीं करती बात। हाथ हटा। हाँ सो गाइस, हम हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार है ना, हमारी ऐसी बदतमीजियां नहीं होती। हमको पता है चाहे शो में है, रियलिटी है, नहीं है, बट अपना ऐसा होता ही नहीं है। विक्की भैया, पहले तो जब आप घर जाओगे आंटी को बोलना कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और जिस प्रकार आंटी ने आपको समझाया, विक्की विक्की देख बेटा देख, आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, आपको मौका देंगे बोलने का। विक्की बेटा देख, तूने छूट दे दी ना बेटा, देख छूट, मम्मी छूट का मतलब, विक्की तुमने छूट दे दी ना अंकिता को, छूट दे दी मतलब मम्मा। देख बेटा विक्की, ऐसे नहीं करना, प्यार से रहना, और आंटी आपका मैसेज मैं दे रही हूँ, विक्की फिर से प्यार से रहना। जब समझा के गए उसके बाद आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मम्मी की वो टोन और वो आवाज याद रखना विक्की। नहीं बेटा विक्की, ऐसे नहीं करना विक्की। विक्की हमने तेरे को कभी रोते नहीं देखा, तुम तो बहुत प्यारे थे विक्की, नहा लिया करो विक्की, और कपड़े भी पहनो, 200-200 कपड़े लेके गए थे विक्की। और मेरी अंकिता भारती। हाँ अंकिता पे बाद में जाएंगे। क्यों? अरे पहले, अरे वो कब से बेचारी टेढ़ी हो रही है उधर खड़ी खड़ी, मेरे को वो मतलब अंकिता कम और ऐसा लग रहा है कोई एलवी के शोरूम में आया और वहाँ पर एक मैनिक्विन खड़ा हुआ है। हाँ सच में यार अच्छी लग रही है वो। अरुण के जितने भी स्ट्रीमिंग के फैन है, बिग बॉस के फैन है, बैगन की इमोजी, हमारे ब्लॉग के कमेंट में बैगन रखे, हम समझ जाएंगे जिन्होंने कमेंट्स में बैगन रखा है वो अपने अरुण भाई के लोग हैं। बैंगन बनाने आता है इनको, बैंगन बैगन बनाने आता है। ठीक है भाई, अपन को तुम्हारे घर आके वाइंगन खाने का बाबा। भाई अपनी अपनी बीवी से करवा के हमारा वीजा भी करवाना है आपने, रशिया का वीजा। ठीक है जाना है, करा दोगे ना भाई? हाय बेचारे, थैंक यू। चलो अभी अभी, अरे मेरे सबसे मेरे को सबसे मिलने दे, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं। सो दोस्तों, किससे देर पर आ गई, ये है मेरा सबसे 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 फेवरेट आईफोन जिससे मैं व्लॉग बनाती हूँ। और ये है अपना मुनव्वर भाई। भाई यार व्लॉग इतना मस्ती, इतना अच्छे वाला है, आप इतनी सीरियस कहानियां सुनाते हो,
बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, अगर इधर सारी सुना दी तो उधर क्या सुनाएंगे। और मुनव्वर इतनी इमोशनल कहानी सुनाते, पता सारे रियलिटी शो वाले बोल रहे मुनव्वर हमको चाहिए, बोले ये पहला कंटेस्टेंट है जो ऑडिशन में आके विनर बन के जाएगा इमोशनल कहानी सुना के। मुनव्वर भैया हमने देखा कि वो जो कोरिया से अपने दोस्त आए हैं उनके पास सर पे भारतीय उनका कुछ था जो आपने सर पे रख लिया। मैं चाहती थी मैं आके अपने भाई का सर चूमूं, लेकिन मुझे वो याद आया कि उनका जो ये करने वाला आपने सर पे रखा था। नाइस, उसका कंबल भी आया। वेरी गुड। अभी मुंह तो गाइस, इन्हें आपने देखा पहचाना? मैंने लोखंड वाला ऐसे कपड़े डाल के लोग ऐसे प्लास्टिक के खड़े देखे। मैंने इनको मैं पहचान लिया, ये गाइस ये वही है स्क्विड गेम में जिनको सबसे पहले गोली लगती है भागते हुए, ये वो है। अरे पगली शर्मा क्या रही है, आंखें खोल, ओपन योर आईज। भारती कितनी क्लियर स्किन है यार भारती। सच में यार, एक होता है कि लोग गोरे होते हैं, एक होता पंजाबी में चिट्टा। मुंडा तो बड़ा ही चिट्टा है, मतलब बहुत गोरा, इतना गोरा है कि जब ये ब्लैक टी पीता है तो गले से ब्लैक टी नजर आती जाती हुई, ऑरेंज जूस पीता तो ऑरेंज जूस। भाई आप तू ही तू सतरंगी रे, और ये कितना चिकना है यार, ये देख ये कान के पास टैटू है ना, ये इतना चिकना है कल ये टैटू देखना पैर तक आ जाएगा। सो गाइस, ये है मेरी फेवरेट रिंकू जी। रिंकू जी जितने मर्जी दुख झेले, जो मर्जी करे हर्ष, लेकिन एक्सप्रेशन सामने जाते सबको दिखने चाहिए। एक्सप्रेशन होते हैं, मुझे लगता है कैमरा तू पकड़ हर्ष, इतने कमाल के एक्सप्रेशन होते हैं। गाइस मुझे देखो यार, अरुण भाई कैसे करते हैं यार, बैंगल जल रहा हुआ है। रिंकू जी आप मेरी फेवरेट, आपके एक्सप्रेशन ना विनर वाले हैं ऐसे। जब जिगना जी गई तो दुख में कह रही थी जिगना गई। एक्सप्रेशन ना विनर वाले हैं, ट्रॉफी कोई कोई भी जीते चाहे ये मुनव्वर ने पकड़ी, लेकिन आप ऐसे जाएंगी। मीडिया पूरा आपके पीछे के यही बंदी लेकर आई है ट्रॉफी। आपके एक्सप्रेशन की मैं फैन हूँ, आप दुख में सुख में आपका यही रहता है। क्या हुआ, मुझे बात मत करो, मैं दुखी हूँ। आप भारती सबसे सुंदर, सबसे क्यूट और जो सबसे ब्यूटीफुल है, मेरी वाइफ भारती। और ये है ईशा, बड़ी प्यारी बच्ची है, और ईशा का घंटी जैसा मुंह देखकर हमें याद आया। मैं ब्लॉग देखती हूँ ना, जैसे बेल आइकन ऐसी होती ना, तो बेल आइकन दबा देना गाइस, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आए। अब बात करते हैं हार्ट थ्रोब। बाहर प्रभु देवा, गणेश आचार्य, बड़े बड़े कोरियोग्राफर हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े, कहते साइन कर और लिख की जिंदगी भर हमको कॉल नहीं करेगा और कभी हमारे साथ काम नहीं करेगा। ये सही जवाब है आपका। और ये क्या कर रहे हो एक बार करके बताओ। मैं बस तो ये याद रखो, आप घोड़े हो गधे नहीं हो। अब द मोस्ट एंग्रीएस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम। इनके पास जब मैं आती हूँ ना पेट ही भर जाता है, क्योंकि ये फुल है लड़का, पंजाबी लड़का है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है, खानजादी है, डीट बोल गया ना, कोई कोई किसी ने नहीं बोला, कोई देख देख फिर खानजादी चली गई, हंसी क्यों आ रही है लेकिन अच्छा हुआ। ये पंजाबी लड़के होते हैं, लड़की ने भाव नहीं दिया, चंगा होया तेरे। खान चादी अभी गई नहीं है, फिल्म सिटी के अंदर ही है, वो लेके आएगी ना पीटा पीटा भाई, पेटा पेटा, लेकिन खान चादी अब जाके बहुत सारा पेटा खाएगी। सो गाइस मुझे लगता है कि मेरा पूरा व्लॉग बन गया है, और हिट लोगों के साथ भाई कौन है, अंकिता बाकी है भारती। अच्छा मैंने बोला कि हिट बंदा कोई रहेगा तो उन्होंने ऐसे कहा, मेरे पास बहुत टाइम है भाई। भारती अनहाइजीनिक। अच्छा तू जरा उधर, मैं पीछे से खुजा रहा था, और चलो चले अंकित। विक्की विक्की ये तेरा घर नहीं है बेटा। सो क्यूट यार। ये है अंकिता, ये है सबसे महंगी मैनिक्योर जो सिर्फ ब्रांडेड शोरूम में खड़ी होती है, बाकी सब उधर लोखंड वाला खड़ा है। इधर देखो पलेडियम मॉल। कौन हंसा था जोर से अभी, हमारी बेल आइकन, वो बेल आइकन हाँ। हाय
सत श्रीकाल बिग बॉस इनको क्या बोलते हैं, ओवर कर दो ना स्टेज। रुको ना बिग बॉस, सबके लिए सबके साथ व्लॉग बनाया लेकिन आप नहीं आए उस व्लॉग में। ओह नो। वैसे मैंने शुरू से देखा कि आप बहुत चुलबुले बने मुनव्वर, तुम ऐसे करते हो, ओहो तुम्हारी स्माइल, हमें हाय हेलो भी नहीं। देखो बायस है तेज है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे तो 24 हो गए इधर। वो सो गया पीछे वाला, देखना जरा। लाल छड़ी मैदान खड़ी पति से दूर, लेकिन पति का अभी भी टेढ़ी आंखों में से ऐसे पीछे हो रहा है कि मेरी बीवी है कि नहीं। हर्ष कुछ सीख इनसे। क्या तू दिख रहा है उनकी आदिल की आंखों से भाई, दिल की आंखों से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिंकू जी आपका हाई एक्सप्रेशन विनर वाला क्या हुआ रिंकू जी, आप उदास बहुत आजाद हुआ, आउट हो गई। तो चलिए बिग बॉस, आप तो मेरे व्लॉग में आए नहीं बट मैं आपके घर आ गई हूँ। और दोस्तों आप सबकी शिकायत थी ना कि व्लॉग बनते हैं घर में, बीबी के घर का। ये लो जी ये लो, हाय कर दो सब, हाय कर दो भाई, हाय सारे आउट हो गए सब। इसको कहते हैं पक्का इंसान। हाय सो गाइस, आज जो आप व्लॉग देख रहे हैं या देख लिया आपने, वो हम बिग बॉस के घर में जाके शूट करके आए और फर्स्ट टाइम किसी को हिस्ट्री में मोबाइल ले जाने मिला है ना। फर्स्ट टाइम ये भी इधर एडिट पे बैठी हुई है, फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे आई है और एडिट पे बैठी, यहाँ पर काम किया, बहुत अच्छा लगा। क्या बराबर टीम को ऐसा खिलाती पिलाती रहती हूँ। ये शुगर है और शुगर जहर है, तभी तो दे रही उनको। क्यों मुझे कुछ ना हो। जब से भारती पतली हुई है ना, ये सबको खिला पिला के मोटा कर रही है ताकि यही पतली रहे, दुनिया में सारे मोटे हो जाए और यही पतली रहे। सो गाइस बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कलर्स, आपने हमें मौका दिया हर्ष और भारती को मोबाइल लेके बिग बॉस के घर जाने का। जब हम अंदर गए तो कंटेस्टेंट कह रहे थे प्लीज मुझे अपना मेरा इंस्टा देखने दे, मुझे एक फोन करने दे। बहुत डिफिकल्ट था, वो छीन रहे थे फोन, झपट्टा मार रहे थे। सब बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे लगता है कि अब उनका हो चुका है, अब बाहर आ जाना चाहिए, बट अभी सीजन बाकी है। सो थैंक यू सो मच, व्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। बोलो कल मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं शक्ति, कल फिर मिलते हैं काले मड़ी से। काले मड़ी शो मित्रों, हमने जो हमारे तुम्हें सब्सक्राइब कर जो ल ओ ल एल का मतलब ल होता है करेक्ट, ओ का मतलब तो ओ ही होता है और ल ल ओ ल। तो तभी लोग हमारा व्लॉग देखो और बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। एल ओ एल क्या ल ओ ल ल ओ ल। जब हम हर सॉरी मैंने क्या हेडफोन्स लगा दिए, क्या बोले क्या बोला तूने फैंस को, क्या तो एक बार तो क्या करना था, हेडफोन लगा दिया था।